आज हम Adobe PageMaker में कलर पैलेट सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे पेज लेना रहेगा, तो फाइल पे क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक कीजिए, पेज साइज में A4 साइज सिलेक्ट करके ओके दीजिए। आप देख सकते हो आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज मिला है। हम यहाँ पे प्लाईगो ड्रॉ करेंगे। अब हम देखेंगे कलर प्लेट। कलर प्लेट में आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले है बॉर्डर कलर। प्लाईगो को सिलेक्ट करके आप बॉर्डर कलर में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे क्लिक करोगे तो वो बॉर्डर को कलर देगा। आप देख सकते हो बॉर्डर की कलर चेंज हो गई। अगर बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड सिलेक्ट करो, यानी कि पूरा फिल हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स फिल हो रहे हैं इन साइड। अगर आपको बॉर्डर और बैकग्राउंड यानी कि फिल एंड बॉर्डर दोनों सेम कलर देने हैं तो आप लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिए। आप देख सकते हो फिल एंड बॉर्डर दोनों सेम कलर दिए जा रहे हैं। अगर आपको सिर्फ बॉर्डर को अलग कलर और फिल अलग करना है तो आप अलग कलर सिलेक्ट करके फिल कर सकते हो। बॉर्डर डिफरेंट कलर है और फिल डिफरेंट कलर है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद है टिक। आपको यहाँ पे टिक दिया है, जो भी कलर आपने सिलेक्ट किया है आप टिक पे क्लिक करके परसेंटेज डिसाइड करोगे तो आपको देख सकते हो यहाँ पे टिक हो रहा है। जितने परसेंटेज आपको टिक करना है आप कर सकते हो। 100% करोगे तो एक्चुअल जो कलर था वो आ जाएगा। उसके बाद हम सीखेंगे न्यू कलर। आपकी विंडो में बॉटम में कलर बॉक्स में न्यू कलर दिया हुआ है। आपको नया कलर लेना है तो ले सकते हो। लाइब्रेरी पे क्लिक करो, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं, कोई भी एक कलर सिलेक्ट करो। आपको यहाँ पर और भी डिफरेंस कलर दिए हैं, आपको जो कलर सिलेक्ट करना है आप कलर सिलेक्ट कीजिए, ओके दीजिए। आपको यहाँ पे कलर प्लेट में वो बॉक्स वो कलर दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ पे बॉक्सेस दिए हुए आप लाइट डार्क करके उसको चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। आपको जो भी कलर सेट करना है सेट करिए। यहाँ पे कलर को नाम देना है तो आप देख नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ दे रही हूँ माय कलर, ओके दीजिए। आप देख सकते हो आपको यहाँ पे नया कलर दिखाया जा रहा है, यानी वो नया कलर क्रिएट हो गया है। अगर आपको वो कलर फिल करना है तो आप वो कलर फिल कर सकते हो। उसके बाद एग्जिस्टिंग कलर में आपको चेंज करना है तो कोई भी एक कलर पर डबल क्लिक करिए और आप उसको लेफ्ट राइट मूव करके कलर चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो कलर चेंज हो गया। आप उसको फिलअप करना चाहते हो तो फिलअप कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे फिलअप हो गया नया कलर। अगर आपको कोई कलर डिलीट करना है तो कलर बॉक्स में डाउन में डिलीट ऑप्शन है, आप डिलीट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर आ जाएगा। उसके बाद है निल, यानी कि जो भी कलर फिलअप किया है वो नन हो जाएगा, बैकग्राउंड यानी कि फिल ब्लैक हो जाएगा। अगर आपको किसी कलर की डुप्लीकेट कॉपी लानी है तो वो सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आपको टॉप में एरो दिया है उसमें डुप्लीकेट कलर सिलेक्ट करके थोड़ा बहुत चेंज करके आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी ला सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनी हुई है। अभी आप देख सकते हो कलर प्लेट में डाउन में आपको डिफरेंट डिफरेंट कोड्स दिए हुए। जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे उसका कोड आपको बॉटम में दिया है, वो उसका RGB या YCT कलर दिखा रहा है। थैंक यू।